गृह मंत्री और बिजली मंत्री, तमाम मंत्री हैं। अच्छा बिजली मंत्री से पूछो, पूरा प्रदेश अंधेरे में है, कश्मीर में आतंकवाद। अरे नहीं, बिजली का असर पूरा प्रदेश अंधेरे में है। और मैं आपको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव इन्होंने गर्मी में कराया, गर्मी में प्रेस को परेशान किया, हमें किया, जनता को किया, गर्मी की वजह से भी हारने जा रहे हैं। इनकी जो अहंकार की गर्मी है, ये अहंकार का जो बुखार है, इस बार जनता अपने वोट से उतार देगी। दो दिन पहले योगी जी आए, तो वो कह रहे हैं कि संविधान माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। देखिए अभी सोनभद्र के मेरे अपने पत्रकार साथी सोनभद्र की मीटिंग के बारे में आप पता कर लो, वहाँ का वीडियो मंगा लो, फोटो मंगवा लो, सब माफिया उत्तर प्रदेश के उनके मंच पे थे। और सुनने में तो आ रहा है कि सब माफियाओं को बनारस काशी लोकसभा में जिम्मेदारी दी गई है कि जाइए वोट बटोरिए, कुछ बांटिए, फिर वोट बटोरिए। आपको सब पता है, मैं फिर कहता हूँ कि सरकार को एक लंबी सूची जारी करनी चाहिए माफियाओं की। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि क्षेत्र बना दिया था, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं। आप लोग सच्चे समर्थक हो लोकतंत्र को बचाने वाले, आप जब भी लोकतंत्र बचाओगे तो आप पे आरोप लगेंगे। प्रधानमंत्री संविधान को देश से खतरा नहीं है, समाजवादी पार्टी को खतरा है। संविधान ये बदलना चाहते हैं, तभी 400 का नारा दिया, लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है कि जो 400 पार कह रहे थे उन्हें 400 हरा देंगे, ये तरसेंगे 140 सीट के लिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ऐसा मंत्रालय मेरे पास है कि मुसलमान दबाव में वोट देंगे, मजबूरी में वोट करेंगे, मजबूरी में वोट करेंगे। वो लगातार कई मंचों से बोल रहे हैं, ये जो है ना, इन्हें पेंशन की जरूरत है जी, इनको पेंशन की जरूरत है। मोदी जी ने कहा है माफियाओं के लिए आंसू बहाने वालों, माफिया सब बीजेपी में है, उन्होंने कहा है माफियाओं के लिए सब माफिया बीजेपी में है। धमकी दे रहे हैं कि आप सके बार हमारे पास है। यहाँ की जनता अपने भविष्य को लेकर के और अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, और उनको पता है लोकतंत्र में एक वोट उनके जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा, इसलिए कोई डराए धमकाए गाली गलौज करे लोग रुकने वाले नहीं हैं। पहले भी इन्होंने कई बार प्रयास किया इस तरह का, लेकिन इस बार ये जनता का चुनाव बन गया है। हम राजीव राय जी पार्टी को जनता ने पीछे छोड़ दिया है, जनता ने खुद अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह हार रही है। नारा लगाया ने पीडीए का नारा लेके चले थे, नारा किया पर आपने बार बार पीडीए का नारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी हो या प्रधानमंत्री वो आरक्षण को लेकर अलग बयान दिया करते हैं। देखिए आरक्षण को अगर किसी ने छेड़ा है और खत्म किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया, और ये जो तमाम चाहे वो आपके घोसी वाले प्रत्याशी हों, काशी वाले प्रत्याशी हों, इन्होंने सबने आरक्षण छीना है। बीजेपी के जितने प्रत्याशी हैं जो पहले मेरिट में जनरल में पिछड़े दलित तो आदिवासी के बच्चे आ जाते थे, इन्होंने अपने सेक्शन में उनको रोक करके इन्होंने सही मायने में पिछड़े दलित और आदिवासियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। नारा लगाया ने घोसी में कहा है कि गाजीपुर मऊ और बलिया तीनों सीटों पर 3 दिनों में समाजवादी पार्टी की 13 कर दूंगा, क्या कहेंगे? 13 दिन बाद होती है, कहे समय बहुत कम, ना 13 दिन बाद होती है। जिस दिन स्टेटमेंट दिया है उसके 13 दिन बाद है, देखना किसकी 13वीं होती है। इसको गाली दे रहे हैं, ये गाली बाजों की लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। जनता अपना वोट अपने विवेक से अपनी समझ से डालेगा, और ये गालीबाज लोग, ये दल बदलू लोग, स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, इनका कोई चरित्र नहीं है, इनका चरित्र केवल स्वार्थ है। और कभी आपके साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ, फिर उनके साथ भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देखोगे सबसे पहले कौन भागेगा, कौन भागेगा? आप लोग लेंगे ओम प्रकाश राजभर को? नहीं नहीं, हम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो प्रयास तो करेंगे भागने का। ये स्वार्थी लोग हैं, इस बार जनता ने मन बना लिया है
कैसे कोई भी स्वार्थी लोगों को मौका नहीं मिलने जा रहा। योगी जी कह रहे हैं कि आरक्षण इंडिया का समाप्त करने वाला है और धर्म के आधार पे मुस्लिमों को देगा। मैं अपने समझदार पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जो अब आरक्षण व्यवस्था है, जो बीजेपी की सरकार में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, उसमें पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने छीना है, और जो 50% स्लॉट है जिसमें अगड़े EWS हैं, तो अगर हम EWS को निकाल दें तो जो 40% का ब्लॉक